अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने कहा कि 19 साल के युवा लेग स्पिनर राशिद खान को खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट टेस्ट मैच में सफलता पाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका दिमाग 30 साल के खिलाड़ी जितना परिपक्व है। टी डट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिन गेंदबाजों में गिने जाने वाले राशिद भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के ऐतिहासिक टेस्ट मैच से इस फॉर्मेट में डेब्यू करेंगे। इससे पहले उन्होंने फर्स्ट क्लास के सिर्फ 4 मैच खेले हैं, जिससे उन्हें भारत जैसी टॉप टीम के खिलाफ परेशानी आ सकती है। राशिद के बारे में वेस्टइंडीज के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि वह अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व है। सिमंस ने कहा, राशिद सिर्फ 19 साल का है, लेकिन उसका दिमाग 30 साल जितना परिपक्व है। उसे पता है कि टीम को उससे क्या उम्मीदें हैं, लेकिन हाँ, मुजीब 17 साल युवा है, देखते हैं वे इससे कैसे निपटता है। टेस्ट मैच में धैर्य जरूरी होता है और सिमंस को उम्मीद है कि राशिद आयरलैंड के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच में किए प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे। राशिद ने आयरलैंड के खिलाफ पिछले साल 4 दिवसीय मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, उसने विकेट भी चटकाए। उसने इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में भी विकेट लिया। भारत के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच से पहले सिमंस अफगानिस्तान की 2 टीमों के साथ काम कर रहे हैं, एक जो बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी और दूसरी भारत के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में उतरेगी। उन्होंने कहा, यह मुश्किल स्थिति है कि टेस्ट और टी20 टीम एक साथ तैयारी कर रही है, लेकिन जैसे जैसे हम मैच के करीब पहुँच रहे हैं, चीजें आसान हो रही हैं। आजकल दौरे ऐसे ही तय होते हैं। सिमंस को लगता है कि भारत के खिलाफ टेस्ट में गेंदबाजों से बड़ी परीक्षा बल्लेबाजों की होगी।